हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद्यालयनी। फ्रेंड्स, हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की संरचना कैसी है। इसमें से हमने पढ़ा कि अर्थ और अर्थ की जो बिहेवियर है कि अर्थ अपनी जगह पर रोटेशन करती है, सन के चारों तरफ रोटेशन करती है, अपनी अक्ष पर झुकी हुई है, इनके वजह से अर्थ पर कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, ये आपको फर्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। सेकेंड वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हमने अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर देखी थी कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, यानी अर्थ का मेंटल कैसा है, कोर कैसा है और उसकी क्रस्ट कैसी है। तीसरे वीडियो में हमने देखा था कि इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेज यानी विवर्तनिक शक्तियाँ क्या होती हैं, जिसमें हमने देखा ज्वालामुखी, देखा भूकंप, देखा और सुनामी देखा। ये तीनों वीडियोस के लिंक लगातार आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप वहाँ से पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी ये जो तीनों वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाह्य विवर्तनिक शक्तियाँ, यानी कि एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेस क्या होते हैं। एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्सेस का मतलब ये है कि अर्थ की सतह के ऊपर, यानी कि अगर हम इस तरीके से अर्थ को बनाते हैं तो इसकी सतह के ऊपर कुछ इस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं जो अर्थ की सतह को या अर्थ के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में मदद करती हैं। कैसे कि अगर हमने अर्थ के ऊपर कुछ बदलाव कर दिए, हमने कुछ इस तरह की शक्तियाँ की, एक जगह पर पहाड़ बन गया, लेकिन उस जगह से, जैसे समझिए ये आपकी अर्थ के ऊपर की सतह है, ठीक है, इस सतह पर अगर यहाँ पे माउंटेन बना दिया या हमने कोई बांध बनाकर यहाँ पानी भर दिया तो ये इसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इधर से उस बैलेंस को वापस से ठीक करने के लिए जो शक्तियाँ काम करती हैं वो मोल्डिंग फोर्सेस होते हैं। इसमें से आज हम देखेंगे कि पृथ्वी की सतह के ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं जो पृथ्वी की सतह का संतुलन बनाकर रखते हैं। इन जो शक्तियाँ हैं उन शक्तियों को दो भागों में बांट दिया, अपक्षयण शक्तियाँ और अपरदन की शक्तियां। ये वेदरिंग फोर्सेस होते हैं और ये इरोजन फोर्सेस होते हैं। सामान्यतः ये वाले जो वेदरिंग फोर्सेस होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि ये अपनी जगह पर रहकर काम करते हैं, यानी ये जिस जगह पे सपोज करते हैं कहीं पे एक चट्टान है और उस चट्टान को ये शक्तियां वहां से हटाना चाहती हैं। अर्थ की सतह पर कुछ चट्टान है, उस चट्टान को ये सारी शक्तियाँ मिलके हटाना चाहती हैं पृथ्वी को बैलेंस करने के लिए। अब हटाने के लिए वेदरिंग फोर्सेस तो जहाँ है चट्टान वहीं रहेंगे और वहीं रहते हुए इस चट्टान को डैमेज करेंगे, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और ये जो इरोजन शक्तियाँ होती हैं, जैसे ये चट्टान है और इसको यहाँ से हटाना है तो कुछ बहती हुई शक्तियाँ आएंगी और वो बहती हुई शक्तियाँ उस चट्टान को वहाँ से बहाकर ले जाएंगी, अपने स्थान से हटा देंगी। उस प्रकार की जो शक्तियाँ होती हैं अप्रदन शक्तियां होती हैं। अपक्षण की शक्तियां यानी कि वेदरिंग फोर्सेस क्या होते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश किस तरीके से उस चट्टान को हटाने में मदद करेगा, एग्जांपल के साथ समझते हैं। क्या करेगा कि जो सूर्य का फोर्स है वो दिन में उस चट्टान को गर्म कर देगा, गर्म कर दिया, चट्टान गर्म होने की वजह से फैल जाएगी। सपोज करते हैं ये कोई चट्टान है, कोई पर्वत है और सूर्य की रोशनी इस पर पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो ये फैलेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ गर्म करने पर फैल जाती है और ठंडा होने पर सुकड़ जाती है। ये थोड़ा सा फैल गया, रात को जब ठंड पड़ी तो ये थोड़ा सा वापस से सुकड़ गया। लगातार फैलेगा, लगातार सुकड़ेगा। किसी चीज़ को आप बार बार खींचोगे, बार बार छोड़ोगे तो थोड़ी देर बाद वो ख़राब हो जाती है। सेम ये चट्टान बार बार फैलती है, बार बार सुकड़ती है तो ये टूट जाती है। इस प्रकार से इसको तोड़ने का काम किसने किया, सूर्य के प्रकाश ने किया। अगर हम वर्षा के जल की बात करें, वर्षा के जल में कैसे वो शक्ति होती है, देखिए वर्षा का जल पानी इस पर पड़ेगा तो आप अगर देखें कि किसी एक जगह पे लगातार पानी गिरते रहता है तो वो जगह पे निशान बन जाते हैं। तो सिमिलरली अगर वर्षा का जल यहाँ पे बहेगा तो वो वर्षा का जल उस चट्टान को तोड़ देगा, क्योंकि पानी जब लगातार किसी चीज़ पर गिरता है तो उसको ब्रेक कर सकता है, उस जगह पे निशान बन जाया करते हैं। तो निशान बनने का मतलब है कि वो उसको ब्रेक कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। दूसरा क्या है कि अगर सपोज करते हैं कहीं पे इसमें बीच में दरार बनी हुई है, उस दरार के अंदर पानी भर जाएगा, ठीक है, उस दरार के अंदर पानी भर जाएगा, उसके अंदर पानी घुस जाएगा तो उसके अंदर वो कई प्रकार के चेंजेस कर देगा। वो पानी अंदर जाकर कई प्रकार के चेंजेस करेगा। वो चेंजेस कैसे करेगा वो हम नीचे देखेंगे। तो वो कुछ चेंजेस कर देगा, उन चेंजेस के वजह से ये जो चट्टान है वो टूट जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा जैसे पाला। पाला का मतलब होता है कि सर्दियों के टाइम पे जो पानी जम जाता है, ठीक है, सर्दियों के टाइम पे जो नेचर के आसपास पानी है वो जम जाता है, वो पाला होता है। अब पाला कैसे काम करेगा कि अगर सर्दियों का मौसम आया, इस चट्टान के बीच में चला गया था पानी या इसके आसपास इकट्ठा हो गया पानी, रात को सर्दियों की रातों में ये पानी जम जाता है। तो आपको पता होगा जो बर्फ़ होती है
आइस जो होती है, बर्फ का जो आयतन होता है वो पानी से ज़्यादा होता है, यानी कि बर्फ़ ज़्यादा चौड़ी होती है, पानी थोड़ा कम जगह घेरता है, बर्फ़ ज़्यादा जगह घेरती है। यानी अगर एक लीटर पानी लूँगी मैं, वो जितना स्थान घेरेगी, और उस पानी को मैंने जमा के बर्फ़ बना दिया, एक लीटर पानी और एक लीटर बर्फ़ लिया, एक लीटर पानी का बर्फ़ बना दिया, तो दोनों में से जिसे रखने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए वो होगी बर्फ़, यानी बर्फ़ का आयतन ज़्यादा होता है। इसके अंदर पानी चला गया, अब ये रात को जम गया बर्फ़ के तौर पर, तो बर्फ़ को रुकने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो वो अपने लिए ज़्यादा जगह बनाएगा, ज़्यादा जगह बनाएगा तो ये चट्टान को फैला देगा, जैसे ये चट्टान फैलेगी टूट जाएगी। इसका एक एग्जांपल मैं दूसरा देती हूँ। आपने एक बॉटल लेना प्लास्टिक का, ठीक है, थोड़ा पुराना सा ले लेना, नया मत लेना, एक पुराना सा प्लास्टिक का बॉटल लेना, उसको फुल एकदम एग्जैक्टली कम्प्लीटली उसको फुल भर के उसका कैप लगा के उसे आइस बॉक्स में रख देना। आइस बॉक्स में जब आप रखेंगे उस बॉटल को और जब उसका पानी जम जाएगा, तो दूसरे दिन आप देखेंगे खोल के कि वो बॉटल टूट गई है। अगर कम्प्लीटली बॉटल भरी हुई है तो बॉटल टूट जाती है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे किस किस ने ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी चेक किया है या अब आप चेक करने वाले हैं। प्लीज़ नई बॉटल मत रखना, वरना आप लोग मुझसे कहेंगे कि बॉटल तुड़वा दी, ठीक है। तो आप पुरानी बॉटल में क्या करना, कम्प्लीटली पानी भर देना, कम्प्लीटली उसका कैप लगा के आइस बॉक्स में डाल देना। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पानी हमने जितनी जगह में रखा, बर्फ़ को उससे ज़्यादा जगह चाहिए होती है, तो वो क्या करती है, बर्फ़ फैल जाती है, बर्फ़ फैल जाती है। जब ये बर्फ़ फैलेगी तो ये चट्टान के बीच में भी फैलेगी और ये चट्टान को ब्रेक कर देगी, ठीक है। इस प्रकार से पाला काम करता है। रासायनिक क्रियाएं कैसे इस चट्टान को तोड़ने में मदद करेंगी। देखिए, ये जो चट्टान है इसके अंदर कई प्रकार के कैल्शियम हो सकते हैं, आयरन हो सकता है, कोई दूसरा केमिकल हो सकता है, कई प्रकार के मेटल्स हो सकते हैं, सिलिका होगा, कुछ ना कुछ तो मेटल इसके अंदर, कुछ ना कुछ केमिकल्स तो इसके अंदर होंगे। ये केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते रहते हैं, क्रियाएं करते रहते हैं, और उन क्रियाओं से कभी कभी ऊर्जा मुक्त होती है। आपने केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ा है, कई प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऊर्जा मुक्त होती है। जब ये ऊर्जा मुक्त होती है तो उस गर्मी के कारण ये चट्टान टूट सकती है, ठीक है। इसके बाद जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं कैसे इस चट्टान को तोड़ने में मदद करेंगी। देखिए, छोटे छोटे मॉन्स्टर होते हैं, कीड़े होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, उनको रहने के लिए स्थान चाहिए होते हैं, या आप कह सकते हैं जैसे चूहे वगैरह होते हैं, बिल वगैरह बनाने के लिए वो चट्टानों में छेद कर देते हैं। और जैविक क्रियाओं में अन्य जीवों के अलावा पेड़ पौधे आप देख सकते हैं। किसी चट्टान पर अगर पेड़ उगा है तो वो अपनी जड़ों को ले जाने के लिए क्या करेगा, वहाँ से जगह बनाएगा, और वो जब वो जगह बनाएगा तो वो चट्टान के बीच में से गुजरेगा और उस चट्टान को ब्रेक कर सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर जो लोग होते हैं अपने घरों के आसपास बड़े बड़े पेड़ नहीं लगने देते, उनको या तो काट के फेंक देते हैं या फिर उनको वहाँ से हटा देते हैं। उसका कारण क्या है, उन लोगों का कहना ये होता है कि अगर बड़ा पेड़ मकान के पास लगाएंगे तो मकान की नींव के अंदर उसकी जड़ें चली जाएंगी और मकान के अंदर क्रैक्स आ सकते हैं, टूट सकता है, क्योंकि उसकी जड़ें उसको ब्रेक कर देती हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे उग जाते हैं, शैवाल, कबक इत्यादि उग जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर अपनी जड़ें डालने की कोशिश करेंगे, उसके वजह से ये टूट सकता है, ब्रेक हो जाएगा। या फिर हम जैविक क्रियाओं में अगर पेड़ पौधों की बात कर ली, जीव जंतुओं की बात कर ली, चूहे वगैरह होते हैं, तो क्या इंसानों की बात नहीं करेंगे। इंसान तो प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो कुछ तोड़ना फोड़ना होता है इंसान से ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं पहुँचाता। इंसान कैसे तोड़ेगा, इंसानों को यहाँ से रास्ता डालना है और यहाँ पे चट्टाने हैं तो वो वहाँ पे एक्सप्लोजर यानी कि विस्फोट करवा देगा, या फिर वहाँ से उन चट्टानों को मशीनों के द्वारा रिमूव कर देगा। अगर उसमें कोई खास मेटल है जो उसे चाहिए, कोई धातु है जो उसे चाहिए, तो वो वहाँ से उस चट्टान को पूरी की पूरी को तोड़ फोड़ के अपने साथ ले जाएगा और उसमें से जो मेटल चाहिए वो निकाल लेगा। तो यानी कि इंसान भी इस तरीके से तोड़ने फोड़ने का काम विवर्तनिक शक्तियों की तरह काम करता है। तो ये वेदरिंग शक्तियाँ हैं, अपक्षण की शक्तियाँ हैं, जो प्रकृति को संतुलन करने के लिए भी होती हैं या डिसबैलेंस करने के लिए, जैसे ह्यूमन वाला डिसबैलेंस करने के लिए था। कुल मिला के बात यह है कि प्रकृति की जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना है, कि उस स्ट्रक्चर को वहाँ से रिमूव करना है, हटाना है, तो किस प्रकार से शक्तियाँ वहाँ पर काम करती हैं। ओके,
अब जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे हम विवर्तनिक शक्तियाँ पढ़ रहे हैं और उसमें अपक्षण की शक्तियाँ पढ़ रहे हैं, तो हमें एक चीज़ देखनी होती है कि इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि प्रकृति, ये तो मैं आपको तब से बोल ही रही हूँ कि पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखता है, यानी कि पृथ्वी का वजन एक तरफ ज़्यादा हो गया है, एक तरफ कम हो गया है पृथ्वी का वजन, तो हमें उसे वजन करने के लिए वो इस तरह से शक्तियाँ काम करती हैं कि उसका बैलेंस बना रहे, वरना उसकी घूर्णन गति में बदलाव आ सकता है, उसके जो झुकाव है, पृथ्वी का जो झुकाव है उसमें बदलाव आ सकता है, यानी पृथ्वी को मेंटेन करना पड़ेगा कि उसका वजन हर जगह से बराबर होना चाहिए। तो एक तो ये काम किए होते हैं। दूसरा क्या होता है, जब इस प्रकार से चट्टानें टूट जाती हैं या कोई स्ट्रक्चर टूट जाता है, तो वो स्ट्रक्चर टूटने से हमें बहुत फ़ायदा होता है कि अगर हमें वहाँ से रास्ते हम निकाल सकते हैं, उनसे मेटल्स हमें मिल सकती हैं, धातुएँ मिल जाएंगी, कई प्रकार के खनिज लवण इत्यादि हमें प्राप्त हो सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि जब हम मकान वगैरह बना रहे होते हैं, हमें कोई कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो हम इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को वहाँ से यूज़ नहीं कर सकते, उसके बजाय जब ये टूट जाती है तो जो छोटे छोटे पीस होते हैं इसके, हम उन्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारे कई प्रकार से काम। नुकसान कैसे होता है इन शक्तियों से कि कभी कभी बड़े बड़े माउंटेन्स इस प्रकार से जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, मतलब बड़े माउंटेन से एक हिस्सा है उसका वो टूट गया और वो अचानक से नीचे की तरफ आ जाता है, तो रास्ते रुक जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, है ना। कभी कभी नदियाँ जब बह, हम सिर्फ इनकी बात कर लेते हैं, नदियों के बाद थोड़ी देर बात करेंगे क्योंकि वो बहती हुई शक्ति है, बहती हुई शक्ति इसमें जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं कि नुकसान क्या है, तो प्रकृति को नुकसान तो पहुँच ही रहा है। अगर ह्यूमन विस्फोट करके किसी चट्टान को, माउंटेन को, किसी प्राकृतिक संरचना को तोड़ फोड़ देता है, तो उससे प्रकृति डिसबैलेंस हो जाती है। तो इस प्रकार से इनसे नुकसान भी होते हैं और फ़ायदे भी होते हैं। अपरदन की शक्तियाँ यानी इरोजन की शक्तियों की बात करते हैं, ये वे शक्तियाँ होती हैं जो मूव करते हुए डिस्ट्रॉय करती हैं। ये अपनी जगह पे थी, पाला था, यहीं पड़ेगा, वो कहीं आने जाने वाला नहीं है। रासायनिक क्रियाएँ यहीं होंगी, वो कहीं आने जाने वाली नहीं है। लेकिन अपरदन की शक्तियाँ मूव करती हैं, जैसे बहती हुई हवा। बहती हुई हवा का बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं कि राजस्थान का जो अरावली माउंटेन है, अरावली माउंटेन जो है उसको बहती हुई हवा ने क्या किया है, इरोजन कर करके अपरदन कर करके उसको, उसकी जो माउंटेन का पत्थर है उसको बारीक बारीक रेत में बदल दिया है, और सारा पश्चिम राजस्थान में जो रेत है वो कहीं ना कहीं अरावली की भी देन है। तो क्या होता है कि वो अरावली से मिट्टी वो रेगमाल की तरह उसे घिसती रहती है अरावली माउंटेन को घिसती रहती है, और वो घिस घिस के छोटे छोटे रेत में बदलते रहता है और वो रेगिस्तान बना देती है, यानी बड़े बड़े रेगिस्तान तक यहाँ से बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी हुई है, जैसे आपकी पवन की ये हवाएँ चलती क्यों हैं, वायु बहती क्यों है, आपके में एक ये दिया हुआ है, देखिए कैसे बहेगी वायु। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक क्लासरूम है, और इस क्लासरूम में क्या हुआ था कि काफ़ी सारे बच्चे थे और वो बहुत कंजस्टेड होके बैठे हुए थे, पास पास बैठे हुए थे। फिर क्या हुआ कि इधर से ये गेट है यहाँ पे, और इस गेट से कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ से थोड़े से बच्चे बाहर चले गए, तो ये जगह क्या हो गई, खाली हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, क्या जो बच्चे पहले यहाँ बैठे हुए थे, जो कि बहुत कंजस्टेड बैठे हुए थे, बहुत फंस के बैठे हुए थे, और इतनी सारी जगह अगर खाली हो गई तो होगा क्या, होगा ये कि ये सारे बच्चे धीरे धीरे मूव करके यहाँ आ जाएंगे और थोड़ी सी अपने बीच में जगह बना लेंगे। क्यों कंजस्टेड क्यों बैठे, अगर एक सेक्शन खाली हो गया है तो उस सेक्शन को जाके फिल कर देंगे और बाकी का थोड़ा आराम से बैठ जाएंगे, ऐसा ही होता है। सिमिलरली क्या होता है, सपोज करते हैं ये वायु है, अगर किसी जगह की वायु थोड़ी सी कम हो जाती है, तो जहाँ पे वायु ज़्यादा है वहाँ से वायु उस डायरेक्शन में चलती है जिस डायरेक्शन में कम हो गई है, यानी अगर यहाँ पे उच्च वायु दाब है, वायु दाब यानी बहुत ज़्यादा वायु है, और यहाँ पे निम्न वायु दाब है, तो वायु उस तरफ जाने लग जाएगी। ठीक है, वायु उस तरफ जाने लग जाएगी, इसको कहते हैं पवन, इसको कहा जाता है पवन, क्योंकि वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जब पवन बहने लग जाती है। देखो, वायु तो होती है, बहे या ना बहे, वायु तो होती ही है, जब वो बहना शुरू कर देती है, फ्लो करना शुरू कर देती है, उसे कहते हैं पवन। ठीक है, विंड, जिसे इंग्लिश में विंड कहा जाता है। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे कम कैसे हो गई भाई, कम हो गई ये चलने लगी वो समझ में आया,
पर ये कैसे हुआ कि यहाँ से वायु कम हो गई, यहाँ की वायु कहाँ गई बताइए। देखिए क्या होता है, जब सन गर्म होता है, सन से लाइट आती है, रोशनी आती है, और सन से हीट आती है, हीट आने की वजह से क्या होता है कि वायु गर्म हो जाती है। मान लेते हैं इस एरिया में थोड़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है और इस वाले एरिया में थोड़ी कम धूप पड़ रही है, थोड़ा दूर दूर एरिया है, छोटा सा चित्र बनाया मानो बहुत दूर दूर है, और यहाँ पर आपका सन की लाइट थोड़ी ज़्यादा पड़ रही होता है, किसी एरिया में ज़्यादा होती है और किसी एरिया में कम होती है। जब सनलाइट यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगी तो यहाँ की वायु ज़्यादा गर्म हो जाएगी, जब ये गर्म होगी तो वायु यहाँ की वायु हल्की हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ उठने लगेगी, क्योंकि गर्म होने के बाद वायु हल्की हो जाती है। वायु हल्की हो गई, ये ऊपर की तरफ उठ गई, जब यहाँ की वायु ऊपर चली गई तो नीचे का स्थान खाली हो गया, नीचे का स्थान खाली हो गया तो यहाँ से वायु इस तरफ में मूव करने लगी। ठीक है, तो ये दे रखा था आपके में। दूसरा ये दे रखा था कि समुद्र और स्थल दोनों में वायु का प्रवाह कैसे होता है। देखिए यहाँ पे आपका ओशन है और यहाँ पे आपकी ज़मीन है, यानी कि ये स्थल भाग है और यहाँ पे आपका जल भाग है। अब क्या होता है, हम बात करते हैं गर्मियों की, तो गर्मी में ये वाला स्थान गर्म होता है और ये वाला स्थान कैसा होता है, ठंडा। ये गर्म होगा तो यहाँ की वायु चली जाएगी ऊपर, ऊपर चली गई, ये जगह हो गई खाली, ये जगह खाली हो गई तो वायु चलने लगेगी इस तरफ। ठीक है, यानी कि गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में जल जो वायु होती है वो जल से लेके स्थल की ओर चलती है। ऐसा होता है दिन के समय भी, दिन के समय क्या होता है, स्थल भाग ज़्यादा गर्म होता है, जल भाग कम गर्म होता है, गर्म भाग में वायु ऊपर की तरफ चली जाती है तो ठंडी वायु इधर से इधर की तरफ गति करने लग जाती है। तो दिन के समय भी यही घटना होती है, जल से लेके स्थल की ओर वायु चलती है, गर्मी के दिनों में भी यही होता है। लेकिन सर्दी के दिनों में क्या होता है, जस्ट सर्दी के दिनों में क्या होता है, सर्दी के दिनों में ये जल है और ये स्थल वाला भाग है, मैंने स्थल वाला भाग थोड़ा ऊंचा बनाया है, जल वाला भाग नीचे बनाया है। सर्दी के दिनों में क्या होता है, ये स्थल वाला भाग जल्दी ठंडा हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है। ठीक है, जब पानी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता है तो ये भाग ठंडा है, ये भाग गर्म है, ये भाग गर्म है तो यहाँ की वायु उठ के ऊपर चली जाएगी, जब ये वायु ऊपर चली जाएगी तो इस स्थान को लेने के लिए वायु इधर से इधर की तरफ चलने लगेगी, यानी सर्दी के दिनों में स्थल से लेकर जल की ओर वायु चलने लग जाती है। सेम होता है रात के समय, तो सर्दी के समय और रात के समय एक ही घटना होती है। ठीक है, तो कुल मिला के हमने ये देखा कि ये कैसे चलता है, वायु दाब क्या होता है, अपरदन की शक्ति यानी बहती हुई वायु के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हमने देखा अरावली पर्वतमाला। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कुछ और भी दे रखा है कि इरेगुलर विंड्स क्या होती हैं, असमान वेग की हवाएं, जब वायु का वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो चक्रवात या तूफान की तरह आने लग जाता है और कई तरह की स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा अक्सर कर देखने को मिलता है बारिश के जस्ट पहले, यानी कि मई के महीने में अक्सर कर ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ये हैं इनकी इनकी बहती हुई वायु के बारे में। अब हम देखते हैं बहती हुई पानी की शक्ति के बारे में देखते हैं। बहती हुई पानी की शक्ति का मतलब ये होता है कि जब पानी बहता है, पानी बहता है तो अपने साथ में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को बहा के ले जाता है, साथ में बहता हुआ पानी जहाँ से भी निकलता है वहाँ स्पेस बना लेता है, जगह बना लेता है। आपने कभी कभी देखा होगा बड़े बड़े माउंटेंस दोनों तरफ से ऊंचे हैं लेकिन बीच में से गहरे होते हैं, पानी जब बहता है तो वो उस बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को भी तोड़ के बीच में से निकल जाता है, बहुत शक्ति होती है बहते हुए पानी में। आपने पानी के नीचे अक्सर कर देखा होगा, पानी में अंदर जो पत्थर बह रहे होते हैं या उसके नीचे की सतह पर जो पत्थर होते हैं वो अक्सर कर गोल होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है पानी के साथ लुढ़कते लुढ़कते आपस में घिसते घिसते ऐसी हालत हो जाती है उनकी कि वो एकदम चिकने हो जाते हैं, साथ में जब वो घिसते रहते हैं तो वहाँ से मिट्टी निकलती है, बारीक बारीक मिट्टी निकलती है और वो मिट्टी साइड में जमा होती जाती है, तट के साइड में जमा होती जाती है, रिवर के जब नदी के दोनों ओर वो जमा हो जाती है जिसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है और ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, हमारे गंगा के मैदान, सरस्वती के मैदान अक्सर कर इन्हीं नदियों के किनारे होते हैं, क्योंकि नदियों के साथ मिट्टी आती है। मिट्टी कैसे हुई हमने देखा, अपरदन के कारण हुई, क्योंकि उसके नीचे जो पत्थर वगैरह हैं वो घिसते रहते हैं, माउंटेन से जब ये बीच में से निकलती है तो माउंटेन के पत्थर वहाँ पे घिसते रहते हैं और मिट्टी बन जाती है। इसीलिए जितनी भी सभ्यताएँ हैं, चाहे मोहनजोदाड़ो हो, हड़प्पा हो, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, कोई भी सभ्यता हो, सारी की सारी नदियों के किनारे होती है। ठीक है, ये है बहते हुए पानी की। पानी की एक और ख़ास बात है, अगर ये पानी जम जाए तो ये बन जाता है हिम,
बर्फ बन जाती है। तो हिमनद जब बहती है, हिमनद का मतलब है ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स का मतलब है कि माउंटेन्स पर जो जमा हुआ पानी होता है, बर्फ़ होती है, वो भी बहता है हमेशा। उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन ग्लेशियर्स बहते हैं। ये आप जो डिस्कवरी चैनल वगैरह जो होते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो भी मूव करते हैं। तो ग्लेशियर्स जब मूव करते हैं तो उनके साथ भी सेम घटना होती है, क्योंकि वो भी बर्फ़ है और उसके साथ जब बहते बहते बहुत ही चिकनी सतह बन जाती है, पत्थर घिस जाते हैं, स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं, बदलाव हो जाता है, पृथ्वी की सतह बदल जाया करती है। समुद्री धाराओं की बात करते हैं, समुद्री धाराओं में यानी कि लहरों में बहुत शक्ति होती है। समुद्र के किनारे जो लोग गए हैं उन्हें पता होगा कि समुद्र की जो वेव्स होती हैं उन वेव्स में कितनी ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत पावरफुल होती हैं। और समुद्री धाराओं का मतलब ये है कि समुद्र के, ये तो हो गई जो वेव्स होती हैं समुद्र के किनारे पे जो लहरें होती हैं। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि जैसे एक बड़ा समुद्र है, मैं समुद्र की पूरी सतह बना लूँ, अगर ये पूरा का पूरा एक महासागर है, पूरा महासागर है, तो इस महासागर में क्या होता है, कुछ धाराएँ बहती हैं अंदर। जैसे मान लेते हैं कि ये अफ्रीका के नीचे वाला भाग है, ये अफ्रीका का नीचे वाला भाग है, यहाँ मेडागास्कर है, और यहाँ पे नीचे कुछ धाराएं बहती हैं, कुछ धाराएं इस तरफ बहेंगी, कुछ धाराएं इस तरफ बहेंगी, कुछ धाराएं इस तरफ बहेंगी। तो ये धाराएं जो बहती रहती हैं इन, ये बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे नदियाँ। तो आप ये मान सकते हैं कि समुद्र के अंदर भी कुछ नदियाँ बहती रहती हैं। आप इनको ऐसे समझ लें कि एक बड़ा समुद्र है, उसके अंदर बहने वाली नदी, यानी समुद्र के अंदर भी नदी है, उस तरह की ये धाराएं होती हैं। इन धाराओं की अलग अलग डायरेक्शंस होती है। तो ये जो धाराएं जब बहती हैं तो इनके अंदर भी कई प्रकार की शक्तियां होती हैं और ये भी विवर्तनिक शक्तियों की तरह काम करती हैं। अच्छा, अब वापस से हम वही क्वेश्चन देखते हैं यहां पे कि इनका फायदा क्या है और नुकसान क्या है। देखिए, नुकसान तो ये है कि इनके वजह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। फ़ायदा ये होता है कि इन शक्तियों के कारण हमें, जैसे वायु है, जब ये वायु, अभी तो मैंने रेगिस्तान का एग्जांपल दिया, लेकिन ये वायु जब घिसती है तो मिट्टी भी तो बनाती है। हिमालय से कई बार जो हवाएं आती हैं, या जो छोटे छोटे पहाड़ हैं, नागपुर का पठार है या कोई भी है, इनसे जब वो हवाएं चलती हैं तो बारीक बारीक मिट्टी बना देते हैं जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है। तो कृषि कार्यों में इसका बहुत उपयोग होता है। बहते हुए पानी का मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया था कि बहता हुआ पानी बहुत बारीक बारीक मिट्टी बनाता है, जैसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये जब तटों के किनारे पे इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ पे सभ्यताएं पनपती हैं, बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। कृषि कार्यों में इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। समुद्री धाराएं हैं, सेम स्ट्रक्चर के लिए होती हैं, ये बैलेंस करने के लिए होती हैं। समुद्र में अगर कहीं पानी ज़्यादा हो गया है, ये धाराएं इधर जाएंगी और उसको बैलेंस करेंगी। दूसरा क्या करती हैं कि जहाँ ठंडा पानी है और गर्म पानी है, तो ठंडा पानी गर्म पानी है, कई जगह पर बहुत ठंडा पानी और कई जगह पर बहुत गर्म पानी है, तो धाराओं की दिशा बदल जाया करती है, कि मतलब जो धाराएं होती हैं वो गर्म से ठंडी की ओर जाएंगी और गर्म पानी को ठंडे ठंडे एरिया की तरफ जब वो लेके जाएंगी तो वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। जब वो टेम्परेचर, जैसे सपोज़ करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये एक बड़ा समुद्र है, बड़ा महासागर है, यहाँ पे बहुत गर्म पानी है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, ठीक है। तो धाराएं यानी कि वो नदियाँ जो हैं वो इस तरह से चलेंगी समुद्र के अंदर, धाराएं इस तरह से चलेंगी तो गर्म पानी कहाँ पहुँच जाएगा, ठंडे एरिया में पहुँच जाएगा और वो पानी को थोड़ा नॉर्मल कर देगा, ठंडे पानी को थोड़ा सा गर्माहट दे देगा। इसके वजह से यहाँ का जो लाइफ है, जीवन है, वो जीवन बचा रहेगा, वरना यहाँ पे जो जीवन है वो ठंड के मारे नष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से फायदेमंद होती है। नुकसान कैसे होता है, नुकसान मैंने आपको बता दिया है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बेसिकली हमने देख लिया पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा है, इस पर किस प्रकार से शक्तियाँ काम करती हैं, एक्सटर्नल इंटरनल, और किस प्रकार से पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हुए विभिन्न प्रकार के हमारे लिए दिन रात का बनना, मौसम का बनना किस प्रकार से डिफाइन है, ये सब कुछ हमने इसके अंदर पढ़ा है। आपको ये चारों वीडियोस यानी कि ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। आप मुझे कमेंट प्लीज़ करते रहना, इसलिए नहीं कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत है, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है और केवल यही कारण होता है कि मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए वीडियोज़ लेके आती हूँ। ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स। Love you all. Thank you so much.